रौनक और काव्या की नई नई शादी हुई थी। उनकी शादी को करीब 3 महीने जितना समय हुआ था। रौनक ऑफिस में था, शाम के 6 बजे थे और तभी उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन पर देखा तो कॉल काव्या का था। रौनक ने फोन रिसीव किया और सिर्फ एक ही शब्द बोला, बोलो। काव्या ने कहा, मेरे प्यारे पतिदेव, क्या सिर्फ बोलो, ना गुड इवनिंग, ना जय श्री कृष्ण, नथिंग, बहुत बिजी हो क्या? रौनक ने कहा, हाँ थोड़ा बिजी हूं, तुम ही बताओ क्यों कॉल किया? फिर काव्या ने कहा, अरे मैं ये कह रही थी कि आप घर कब आ रहे हो? रौनक ने तुरंत जवाब दिया, ऑब्वियसली यार, जैसे जॉब आवर्स खत्म होते हैं तुरंत आ जाऊंगा, इसमें पूछने वाली बात कौन सी है? काव्या ने कहा, नहीं एक्चुअली मैं ये पूछती थी कि डिनर में आज क्या बनाऊ। रौनक थोड़ा जल्दबाजी में था इसलिए थोड़ा इरिटेट होकर बोला, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, जबकि तुम्हें पता है कि मेरा हमेशा से जवाब यही होता है कि तुम जो बनाओगी वो मैं खा लूंगा। वैसे भी तुमने कल से साउथ इंडियन का प्लानिंग कर रखा है और उसके लिए सामान भी ला दिया है। काव्या ने धीरे से कहा, फिर भी तुम्हारी पसंद को प्रायोरिटी तो दू ना। ऐसा कहकर काव्या ने बात संभाल ली। रौनक ने तुरंत चतुराई से कहा, ओह वैसा है, तो एक काम करो, तुम्हारे हस्बैंड के लिए गुलाब जामुन, शाही पनीर, मिक्स वेज पराठे, रशियन सलाद, मसाला पापड़, जीरा राइस और दाल मखनी, बस इतना बना दो, क्यों हो जाएगा ना? काव्या ने तुरंत आश्चर्य से कहा, पर इतना सारा? रौनक ने कहा, क्यों अब कहां गई हमारी पसंद? ठीक है कुल्लाऊ, मजाक कर रहा था, मेरा अभी भी आंसर यही है कि मेरी प्यारी पत्नी जो भी बनाएगी वो मैं खा लूंगा। चलो अब मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, घर आके मिलता हूं। इतना कहके रौनक ने फोन रख दिया। रौनक के पास खड़े प्यून गोपाल भैया ये बात सुन रहे थे। वे रौनक के सामने देखकर मुस्कुराए। रौनक ने कहा, सही में मेरी वाइफ पागल हो गई है, इतनी सी बात में क्या पूछना? गोपाल भैया ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं साहब वो बिल्कुल सही है, वो तो बस एक भारतीय पत्नी है। साहब आपने कभी सोचा है कि खाना क्या बनाए ये बहाने वो आपको उसका समय देती है? जिंदगी के छोटे से छोटे डिसीजन में वो आपसे पूछती है, पर आपकी तो अभी अभी शादी हुई है ना, इसलिए आप नहीं समझ पाओगे। खाना क्या बनाना ये फिक्र धीरे धीरे उसकी आदत में बदल जाएगी। रौनक ने कंफ्यूज होकर बोला, पर उसने ऑलरेडी साउथ इंडियन का प्लानिंग कर रखा था, फिर बार बार क्यों फोन करना? गोपाल भैया ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, वो भी वक्त आने पर पता चल जाएगा साहब। राज का कंफ्यूजन तो कंफ्यूजन ही रह गया और वो मीटिंग के लिए चला गया। राज घर पर पहुंचता है, काव्या ने दरवाजा खोला। काव्या थोड़ी गुस्से में थी, साथ ही में थोड़ी जल्दबाजी में भी। रौनक को ऑफिस से आने में थोड़ी देर हो चुकी थी इसलिए रौनक ने काव्या से चाय नहीं मांगी। रौनक हाथ पांव धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठा और एकदम स्तब्ध हो गया। रौनक ने देखा कि उसने काव्या को फोन पर वैसे ही बोली हुई गुलाब जामुन से लेकर के दाल मखनी तक की सभी रेसिपीज टेबल पे तैयार थी। साउथ इंडियन फूड का नामो निशान नहीं था। यह सब देखते ही रौनक ने काव्या के सामने देखा और बोला, क्यों और कैसे? काव्या ने तुरंत उसका जवाब दिया, कैसे ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूं। और क्यों? क्योंकि अब मैं सिर्फ तुम्हारी प्रेमिका ही नहीं बल्कि पत्नी भी हूं। काव्या के ये शब्द ने रौनक की गोपाल भैया से हुई सारी बातों का कंफ्यूजन दूर कर दिया। रौनक के आंखों में आंसू थे और स्माइल देते हुए वो बोला, थैंक यू सो मच काव्या, मुझे इतना स्पेशल समझने के लिए। काव्या भी मुस्कुराने लगी, पर फिर से काव्या नाराज भी हो गई। रौनक को काव्या को मनाने के लिए करीब 2 घंटे का वक्त लगा। वैसे भी इतना समय तो बनता है, आखिर काव्या अब सिर्फ रौनक की प्रेमिका ही नहीं पर पत्नी भी है, और पत्नी को मनाना आप तो जानते ही हो।